हाँ जी बच्चों, अज आप सैवन क्लास की एक्सरसाइज 1.4 द फस्ट का ए पार्ट स्टार्ट कर जा रहे हैं। इस विच है भी अपने मुल पता करना है। तो सब तो पहले जो ए पार्ट है इस विच अपने -30 को 10 नाल डिवाइड करना है। तो बेटा किस तरह करांगे? तो देखो जीरो नाल जीरो कट कर दे तो अपने को की आ रहा है सिर्फ -3/1। तो आप की लिख सकते हैं इतने सिर्फ -3। अगे जो बेटा बी पार्ट है उस है 50/-5। तो देखो जो इस कट करते हैं 5 1 5 5 10 50। तो बेटा अपने को बच रहा है 10/-1 10/-1। तो हूँ तुम देखो 1 इतने इनविजिबल है तो माइनस में आप उपर ले जा सकते हैं। तो इतने की लिख सकते आप -10। तो इसका एग्जैक्ट आंसर की लिख सकते हैं बेटा -10। हाँ जी बच्चे, हूँ इसका सी पार्ट है -36/-9। तो देखो माइनस ना माइनस की हो गया कट कर गया। हूँ 9 1 9 9 4 36। तो बेटा अपने आंसर कि ना रहा है 4/1। तो आप की लिख सकते आंसर ओनली 4। और इस दा डी सम है -49/49। तो देखो आसान ही है, एक दूजे नूं 1 दे उपर रहने जिहड़े कट करते हैं। तो अपने को की बच रहा है -1। तो इसका आंसर कि ना है बेटा -1। हाँ जी बेटे, जिहड़ा इसका ई पार्ट है उस स्टेटमेंट है 13 ÷ (-2+1)। तो इसमें देखो बेटे की करांगे, 13 फिलहाल आप उमी लिखांगे, डिवाइड का निशान बेटा आप उस तरह ही डालांगे। हुण इत्थे की आ रहा -2+1। तो तुहानू पता ही है भी जदों एक माइनस का होवे और एक प्लस का होवे आप माइनस करते होंगे। तो दो विच्चों जे आप एक घटावांगे तो अपने को किन्ना आ रहा बेटा 1। हुण तुसी देखो 2 ÷ 1 ÷ तो आप कहने इतने 2 ÷ तो उस मूहरे निशान का बेटा माइनस का। तो इसमें की लिखते हैं 13 ÷ -1। हूँ तुहानू पता है भी इहनू आप भी लिख सकते हैं 13/-1 जां लिख सकते हैं इसकी वैल्यू किस दे इक्वल होगी -13 दे। आंसर कितना गया बेटा -13। हाँ जी बच्चों, जिहड़ा इसका एफ पार्ट है उस दे विच है 0 ÷ -12। देखो जदों भी किसी जीरो नूं किसी भी डिजिट्स नाल आपां डिवाइड करते हुईए तां कितना आंसर हुंदा बेटा, हमेशा याद रखना 0। हाँ जी, जो जी पार्ट है उस दे विच है -31 ÷ -30 -1। देखो जिहड़ा पहले वाला -31 है इहनू आप उस तरह ही लिखांगे, डिवाइड का निशान बेटा आप उस तरह ही पावांगे। -30 -1 क्योंकि दोनों रकमां ने जिहड़ियां अपने कोल माइनस दियां ने तो यह ऐड होणगियां तो अपने कोल किन्ना आऊगा -31। हुण तुसीं देखो -31 ÷ -31 तो किस तरह लिख सकते हैं -31/-31। देखो माइनस नाल माइनस कट कर दे, 31 ना कट कर गया 1 ते, तो किन्ना आंसर आ जाएगा अपने को 1। हाँ जी बच्चों, जो एच पार्ट है उस विच स्टेटमेंट है -36 ÷ 12 ÷ 3। हुण इस दे विच देखो बेटे 36 नूं जदों आपां 12 नाल डिवाइड करदे हां तां किन्ना हुंदा है 3। पर हुण इस दे मूहरे सिंबल कहदा सी माइनस दा, तां आपां इत्थे किन्ना लिखांगे -3। और -3 नूं अगे किस नाल डिवाइड करना है आपां ने +3 नाल। तां देखो किस तरह -3/3। तो देखो 3 दे टेबल ते आ गया 3 1 3। तो किन्ना आंसर आया बेटा अपने को -1। हाँ जी बच्चों, फस्ट का आई पार्ट जो लास्ट पार्ट है उस विच है -6+5। तो देखो बेटा -6+5 किन्ना होंगे अपने को -1 दे, डिवाइड द सिंबल -2+1 किन्ना होंगे बेटा -1 दे। तो देखो -1 नूं किस तरह डिवाइड करना हूँ आपने -1 नाल, तो माइनस नाल माइनस की हो जाएगा कट कर जाएगा। तो अपने को बच रहा है 1/1 1/1 की लिख सकते हैं 1। उम्मीद है तुसी इसका फस्ट पार्ट जो है वह समझ गए होंगे बेटा। हाँ जी बच्चों, हुण इसका दूसरा सवाल है भी ए बी अते सी दे लिखे हरेक मुल्लां विच्चों हरेक दे लई ए डिवाइड ब्रैकेट विच बी प्लस सी नॉट इक्वल टू भी बराबर नहीं है इस दे ए डिवाइड बी प्लस ए डिवाइड सी। यदि सच्चाई अपने जांच करनी है, मतलब कि खब्बा पासा अपने सज्जे पासे दे बराबर जांच करके देखना है। इसका जो फस्ट सम है इस दे विच आपां ए दी वैल्यू पुट करनी है 12,
बी की वैल्यू पुट करनी है माइनस चार और सी की वैल्यू पुट करनी है दो। आओ हुण आपां स्टार्ट करते हैं इसका फस्ट सम। देखो बच्चे इस विच आंदा है भी पहला सी ए की वैल्यू अपने 12 पुट करनी है, बी की वैल्यू माइनस चार और सी की वैल्यू 2। देखो यही सम है अपने को। हुण देखो सब तो पहले आपां केड़ा पासा लैने बेटा, खब्बा पासा। खब्बे पासे नूं आपां की बोल देने आ, लैफ्ट हैंड साइड। केड़ी बोल लैने बेटा, लैफ्ट हैंड साइड। लैफ्ट हैंड साइड ते केड़ी वैल्यू है, ए डिवाइड बी प्लस सी। हुण ए दी थां ते, ए दी थां ते आपां की पुट करांगे 12। डिवाइड का निशान जिथे है वह उस तरह ही है डिवाइड का निशान। हुण बी दी थां ते अपने कोले वैल्यू किन्नी है माइनस चार और सी दी वैल्यू अपने कोले किन्नी है 2। उस तरह ही वैल्यूज़ ने जिहड़ियां पुट कर दित्तियां ने। देखो 12 उस तरह ही रख्या होया आपां ने, डिवाइड का निशान उस तरह ही रख्या होया। माइनस 4 प्लस 2, माइनस 4 प्लस 2। देखो एक तो माइनस का है और एक प्लस का है, तो नैचुरली आप माइनस करांगे तो कितना आएगा माइनस 2। इट मीनस हुण असीं की करना है, 12 नूं डिवाइड करना है माइनस 2 नाल। तो किस तरह डिवाइड होगा, 2 वन जा 2, 2 सिक्स जा 12, तो किन्ना है बेटा 6 ओवर माइनस 1। 6 ओवर माइनस 1 नूं असीं की लिख सकते हैं माइनस 6 दे। हाँ जी बच्चों, हुण आपां राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड विच सी ए डिवाइड बी प्लस ए डिवाइड सी। हुण देखो ए और बी दी वैल्यू पुट करांगे और ए और सी दी वैल्यूज पुट करांगे। ए वैल्यूज कित्थों पुट करांगे, इत्थों जिहड़ी अपने कोल स्टेटमेंट आउंदी है वी ए दी थां ते असीं किन्ना पुट करना है 12, बी दी थां ते किन्ना पुट करना है माइनस 4 और ए दी थां ते फिर 12 और सी दी थां ते किन्ना पुट करना है 2। हुण 12 डिवाइड माइनस 4 तो किन्ना आएगा बेटा, डिवाइड करके देखो 4 वन जा 4, 4 थ्री जा 12, तो अपने को किन्ना आ जाएगा माइनस 3। प्लस का निशान उस तरह ही रखा है बेटा अपने। हुण देखो 12 नूं 2 नाल डिवाइड करांगे, 2 वन जा 2, 2 सिक्स जा 12, तो 6 ओवर 1 किन्ना आएगा 6। हुण देखो 3 माइनस का 6 प्लस का, तो 6 विचों 3 की हो जाएगा माइनस, तो 6 चो 3 माइनस करके अपने को किन्ना गया बेटा 3। हुण तुसीं देखो जो साडे कोले फस्ट पार्ट सी, मतलब लैफ्ट हैंड साइड सी, लैफ्ट हैंड साइड विच अपने कोले किन्नी वैल्यू आ रही सी माइनस 6 और राइट हैंड साइड विच यही वैल्यू साडे कोले किन्नी आ रही है 3। तो इट मीनस ये दोनों वैल्यूज़ ने जिहड़ियां साडे कोले इक्वल नहीं हैगियां, ये माइनस 6 नॉट इक्वल टू 3 दे। तो असीं की कह सकते हैं भी लैफ्ट हैंड साइड, लैफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू, लैफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड दे। हाँ जी बच्चे, हुण इसका बी पार्ट है, इत्थे अपने ए दी वैल्यू पुट करनी है माइनस 10, बी दी वैल्यू पुट करनी है 1 और सी दी वैल्यू पुट करनी है 1। हुण तुसीं देखो फिर उस तरह ही, सब तो पहला असीं कि साइड लवेंगे लैफ्ट हैंड साइड और लैफ्ट हैंड साइड विच अपने को वैल्यू कि है ए डिवाइड बी प्लस सी। ए दी वैल्यू किन्नी पुट करी माइनस 10, डिवाइड का निशान उस तरह ही, बी दी वैल्यू 1 सी दी वैल्यू 1। हुण देखो माइनस 10 उस तरह ही, डिवाइड का निशान उस तरह ही, 1 प्लस 1 किन्ना हुंदा है 2। हुण तुसीं देखो माइनस 10 ओवर 2, जो माइनस 10 नूं बेटा 2 नाल डिवाइड करांगे तो अपने कोल किन्ना आ जाएगा माइनस 5। देखो 2 वन जा 2, 2 फाइव जा 10, अपने कोल किन्ना बचेगा माइनस 5। तो इट मीनस लैफ्ट हैंड साइड की वैल्यू अपने कोल किन्नी आ जाएगी माइनस 5 दे। हाँ जी बच्चों, हुण राइट हैंड साइड है अपने कोल ए डिवाइड बी प्लस ए डिवाइड सी। उस तरह ही आपां ए बी ए और सी की वैल्यू पुट करांगे, ए की वैल्यू है माइनस 10 और बी की वैल्यू है 1। ए की वैल्यू है माइनस 10, सी की वैल्यू है 1। देखो माइनस 10 नूं 1 नाल डिवाइड करांगे तो देखो कोई फर्क नहीं है, माइनस 10 उस तरह ही आ जाएगा। इस तरह ही माइनस 10 नूं 1 नाल डिवाइड करांगे, कोई फर्क नहीं है, माइनस 10 आ जाएगा। क्योंकि हुण दोनों वैल्यूज़ ने जिहड़ियां माइनस माइनस दियां ने, जिवें कि आपां पहला भी करिया सी, जे दोनों वैल्यूज़ माइनस दियां होण तां इन्हां नूं असीं प्लस कर दिंदे हां ते निशान कद रहि जांदा हुंदा साडे कोले माइनस दा। हुण तुसीं देखो भी जो राइट हैंड साइड विच साडे कोले वैल्यू आ निकल के आ रही, ओह कड़ी आ माइनस 20, लैफ्ट हैंड साइड विच इही वैल्यू साडे कोले किन्नी सी माइनस 5। तां हुण तुसीं देखो भी की माइनस 5 माइनस 20 दे इक्वल है। देखो दोनों वैल्यूज़ इक्वल नहीं है, तां असीं की कह सकते हां भी लैफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड।
हाँ जी बच्चे, हम तीसरा सवाल है खाली स्थान भरना। तो देखो 369 नू किस ने डिवाइड करिए भी अपने को 369 आ जाए, तो नैचुरली इसका आंसर की आएगा 1। हूँ अगला है -75 नू किस ने डिवाइड करिए भी -1 आवे, तो इतने साडा की होगा प्लस का 75। हाँ जी अगे है -206 नू किस ने डिवाइड करिए भी कला प्लस 1 आवे, तो नैचुरली आप किस ने डिवाइड करेंगे बेटा -206 नाल, भी मतलब कि -206 नाल ही डिवाइड हो जाएगा। अगला आंदा है -87 नू किस ने डिवाइड करिए भी प्लस 10-87 आवे, तो असं किस ने करेंगे बेटा -1 नाल। अगला आंदा है भी आंसर अपने को -87 आना चाहिए, तो 1 नाल किस नू डिवाइड करना चाहिए, तो देखो स्टेटमेंट कोई फर्क नहीं पैना, तो इतने असं कि पा लेंगे सिर्फ -87। अगला आंदा बेटा 48 भी किस नू डिवाइड कराया जाए 48 नाल ताकि -1 आए, तो साढ़े इतने कि जाएगा -48। और इसका जी पार्ट है 20 नू किस ने डिवाइड करिए भी -2 आए, तो नैचुरली इतने साढ़े कि बनता है -10। और इसका एच और लास्ट पार्ट है भी किस न किस नू डिवाइड किया जाए 4 नाल ताकि -3 आए। देखो 4 तीए कि होंगे 12 होंगे, तो इट मीनस इतने कि चाहता है -12 भी, जो -12 नू 4 नाल डिवाइड करांगे तो अपने को कि आ जाएगा -3। उम्मीद है बेटे तुसी इसका जो थर्ड पार्ट है वह आसानी नाल समझ गए होंगे। हाँ जी बच्चों, फोर्थ सम है 5 इहो जिहियां संपूर्ण संख्यावां ए कोमा बी दे जोड़े दे रूप दे विच लिखदियां ने, ताकि जो आपां ए नू बी नाल डिवाइड करिए तो अपने को -3 होवे। इस तरह की उदाहरण अपने को दसी हुई है भी 6, -2, इत्थे जिहड़ा 6 है ये ए नू रिप्रजेंट कर रहा है और -2 अपने को बी नू रिप्रजेंट कर रहा है, कहिंदा कि मतलब जो आप 6 नू -2 नाल डिवाइड करांगे तो अपने को कितना आएगा बेटा -3 आएगा। देखो इतने भी एग्जाम्पल सोल्व करिए भी जे 6 नू आप -2 नाल डिवाइड करांगे तो अपने को कितना आऊगा -3 आऊगा। इस तरह के अपने उदाहरण ने जिहड़ियां लभ के देखनिया ने, अपने को कुछ उदाहरण ने जिमें 9 है, 9 नू जदों आपां -3 नाल डिवाइड करांगे तो अपने को कितना आएगा -3, तो इट मीनस इत्थे साडे कोल इक जोड़ा कड़ा बन गया 9, -3 ए बन गया अपने को फस्ट जोड़ा। हाँ जी अगला किहड़ा आंदा है 12 - -4, जदों मतलब 12 नू -4 नाल डिवाइड करांगे तां भी साडे कोल कितना आएगा -3, इट मीनस इत्थे साडे कोल इक दूसरा जोड़ा बन गया किहड़ा 12 - -4 का, क्योंकि उसने अपन 5 जोड़े पूरे करने लिए कहा सी। तीसरा बेटा आंदा है 27 नू जदों आपां -9 नाल डिवाइड करांगे तो कितना आंदा है -3, इट मीनस हुण साडे कोल तीसरा जोड़ा किहड़ा बन गया बेटा 27 - -9। इस तों बाद बेटा फोर्थ आंदा है -15 नू जदों 5 नाल डिवाइड करदे आ तां वी अपने कोल कितना आंदा -3, तो इट मीनस हुण अपने कोल फोर्थ जोड़ा तैयार हो गया किहड़ा -15 - 5। हाँ जी लास्ट जोड़ा जो पंजवा अपने लभना कि -18 नू जो 6 नाल डिवाइड करते हैं तो भी अपने को -3, इट मीनस अपने को हम फिफ्थ जोड़ा भी तैयार हो गया कि -18, -6। बेटे देखो 5 जोड़े तो लभ के दिखा दिते ने, ये कोई कंपलसरी नहीं है भी तुम यही लिखने ने जो इतने लिखे हुए हैं, तुम अपनी मर्जी के भी ने जोड़े इतने लिख सकते हो। हाँ जी बच्चों, इतने अपने को पंजवा सवाल है दोपहर 12 बजे तापमान 0 तो 10 डिग्री सैलसीयस सिफर ज़्यादा सी, कि दोपहरे 12 बजे तापमान कितना सी 0 नालों 10 वध सी, मतलब 0 के जो आप 10 जोड़ेंगे तो साढ़े को कि आजगा 10 डिग्री सैलसीयस। फिर कहता है जेकर तापमान अद्धी रात तक 2 डिग्री सैलसीयस प्रति घंटे की दर नाल घटदा होवे, अद्धी रात नूं कदों कहिंदे आ बेटा जदों सवेर दे 12 AM हुंदे ने, सवेर दे 12 AM रात दे जिसनूं 12 कहिंदे आ ओह हुंदे ने सुबह दे AM, मतलब 12 AM उदों तापमान आपां ने चैक करना किन्ना सी, ते नाल की कहिंदा है किहड़े समें तापमान 0 तों 8 डिग्री सैलसीयस थले होवेगा, मतलब माइनस दे विच होवेगा किन्ने बजे होवेगा। तो आपां पिछे वल मुड़दे आ, दोपहर के 12 बजे कितना सी 10 डिग्री सैलसीयस, क्योंकि टैंपरेचर 2-2 डिग्री सैलसीयस घटेगा, तो सवेर के 11 बजे कितना होया होगा 2 घटाए 10 - 2 घटाए तो 8, जे 10 बजे आप देखिए फिर 2 घटाए अपने को कितना आया 6, फिर 9 बजे आप 2 घटाए तो अपने को कितना आया 4,
फिर आप 8 बजे देखते हाँ फिर 2 घटाए अपने को कि गया 2 डिग्री सैलसीयस, फिर सवेर के 7 बजे पहुँचते हाँ फिर आप 2 घटाने तो इतने जोड़ा सा टैंपरेचर है वह कि गया 0 डिग्री सैलसीयस। हूँ देखो बेटा हूँ सुबह के 6 बजे फिर 2 डिग्री सैलसीयस घट गए घटने सिफर विचों तो कि जाएगा 2 डिग्री सैलसीयस। फिर 5 बजे चलते हैं फिर 2 डिग्री घटाने तो -2 -2 कि होंगे बेटा -4। फिर 4 बजे चलते हैं फिर 2 घटाने तो -4 -2 कि होंगे -6। फिर पिछले तो 1 घंटा वापस 3 AM वेले फिर 2 डिग्री घटाने तो साढ़े को कि आता -8 डिग्री सैलसीयस। हूँ देखो उन्हें क्वेश्चन यही गल कही सी कि कहा सीगा केड़े समय तापमान 0 तो 8 डिग्री सी थले चला जाएगा तो साडा आंसर की होएगा किन्ने बजे चला जाएगा 3 AM ते यह टैंपरेचर कितना चला जाएगा -8 डिग्री सैलसीयस चला जाएगा। हूँ अगे चलते हैं फिर अगर आंदा है 2 AM ते फिर 2 डिग्री घटाने तो -8 2 घटाए बेटा कि अपने को -10। फिर 1 बजे चलते हैं फिर आप 2 घटाने तो -10 -2 घटाए तो कि आ गए बेटा -12। और लास्ट विच हूँ अपने 12 बजे अद्धी रात में तापमान है जो चैक करना सी तो हूँ इतने असं की करा -12 -2 घटावे तो -12 जो 2 घटाए तो अपने को कि आ गए -14 डिग्री सैलसीयस। उम्मीद है बेटे ये सवाल भी तुम समझ गए होंगे। हाँ जी बच्चे हूँ अपने को 6th सम है एक क्लास टैसट में हरेक सही उत्तर ले किन्ने अंक मिलते हैं +3 अंक मिलते हैं और हरेक गलत उत्तर ले किन्ने अंक मिलते हैं -2 अंक मिलते हैं और ना हल करने वाले प्रश्न जेडे अटैम्प्ट नहीं किए वो कोई भी अंक नहीं दिता जाता मतलब कि 0 अंक दिता जाता है। तो असं की सीख रहे हैं भी जे क्वेश्चन सही है तो किन्ने अंक मिलते हैं +3 जे क्वेश्चन गलत है तो किन्ने अंक कट रहे ने 2 मतलब कि -2 अंक मिलते हैं जो कोई क्वेश्चन नहीं किया तो उसका कोई भी अंक नहीं मिलता उस अंक किन्ने मिलेंगे 0। तो हूँ अपने को 1st सम आता है भी राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए हैं जेकर उसके 12 उत्तर सही हो 12 उत्तर की हो सही तो उसने किन्ने प्रश्नों का उत्तर गलत दिता किन्ने प्रश्न अपने लभने ने भी किन्ने उत्तर ने जोड़े उसके गलत होए ने यह हूँ आपने चैक करना है। आओ हूँ आप इस हल करिए देखो बच्चों राधिका ने किन्ने प्रश्न सही करे सी 12 सही करे सी तो 12 के जोड़े अंक बने वो किन्ने बने 3 × 12 कर देंगे तो किन्ने बन गए अपने को 36। राधिका ने कुल किन्ने अंक प्राप्त किए सी कुल 20 अंक प्राप्त किए सी देखो सही किन्ने हुए 36 कुल अंक किन्ने प्राप्त किए ने 20 इट मीनस वो उत्तर कुछ ना कुछ गलत जरूर होए ने जोड़े गलत उत्तर होए ने तो उन्होंने किन्ने अंक मिले होने तो जिन्हें प्राप्त अंक होए ने उन्होंने सही उत्तर असं की कर देंगे सही उत्तर के अंकों असं की कर देंगे घटा देंगे तो 20 में 36 घटाए बेटा अपने को कि गया -16। हूँ देखो हर एक गलत उत्तर दे किन्ने अंक मिल रहे थे -2 अंक मिल रहे सी। हूँ देखो गलत उत्तर वाले जोड़े गलत उत्तर वाले किन्ने अंक मिले ने -16 तो एक गलत उत्तर के अंक किन्ने ने -2 तो हूँ असं की करा -16 -2 डिवाइड करके देखा भी गलत उत्तर की संख्या किन्नी है तो देखो किन्ना ही आसान है जो आप बेटा -16 -2 डिवाइड करते हैं तो किमें करा माइनस ना माइनस की हो गया बेटा कट गया 2 1 2 2 8 16 तो साढ़े को कि आजगा 8 कि आंसर आ जाएगा बेटा 8। हाँ जी बच्चे हूँ अपने को सैकेंड पार्ट है भी मोनी टैसट में -5 अंक प्राप्त करती है जदों के उसने 7 उत्तर सही सन उसने किन्ने प्रश्न उत्तर गलत दिता आपने उन्होंने गलत प्रश्न की संख्या जी पता करनी है। हाँ जी बच्चे हम आप मोनी वाला सवाल करते हैं इस आंदा क्या सही उत्तर के लिए दिते गए अंक हूँ देखो उसने सही प्रश्न किन्ने हल करे 7
और सही दे किन्ने दिते जाते हैं प्लस तीन तो इट मीनस तीन हम असं किसी ने गुना करा सत्त नाल तो साढ़े को किन्ना आजगा इक्की क्योंकि मोनी ने कुल किन्ने अंक प्राप्त करे ने माइनस पांच तो इट मीनस हम गलत उत्तर के अंक किन्ने बन गए तो असं माइनस पांच विचों इक्की घटावे तो अपने को किन्ना आजगा माइनस छब्बी ये भी साढ़े को रकम के गलत उत्तर के लिए किन्ने अंक दिते जाते हैं माइनस दो अंक दिते जाते हैं तो इट मीनस हम गलत उत्तर क्ढन वास्ते असं की करा इस माइनस छब्बी किस न डिवाइड करा बेटा माइनस दो नाल जो देखो माइनस छब्बी दो नाल डिवाइड करना तो की किया जाऊगा माइनस नाल माइनस कट कर गया टू वन जा टू टू थर्टीन जा ट्वेंटी सिक्स मतलब दो जो तेरह नाल गुना करते हैं तो अपने को छब्बी बन जाए तो कट करके अपने को कितना बन रहा बेटा तेरह ये साढ़े को इसका आंसर। हाँ जी बच्चे हूँ अपना सैवंथ और लास्ट समय है कहना एक एलीवेटर किसी खान शाफ्ट छे मीटर प्रति मिनट की दर नाल थले जाता है इतने एलीवेटर बेटे इतने तुम लिफ्ट समझ सकते हो जिहड़ियां थले जांदियां ने खाना दे विच जेकर थले जाना धरती दे तल तो दस मीटर उपर तो शुरू हो माइनस तीन सौ पचास मीटर पहुंचन ते किन्ना समा लगेगा तो बेटे इतने मैंने एक डायग्राम बनाई है इसको समझने की कोशिश करो मान लो आप इतने खड़े हाँ तो दस मीटर उपर उपर वाल दस मीटर जाने इतों आप लिफ्ट शुरू करते हैं थले ले जाने वास्ते क्योंकि उपरले वाले पास है तो इसमें असं किस रिप्रजेंट करते हैं प्लस दस नाल हूँ लिफ्ट नीचे वाल आ रही है नीचे वाल कितने तक जा रही है माइनस तीन सौ पचास वाल जो आप नीचे वाल लैके जाने तो हूँ इतने निशान कहड़ा पै जूगा अपने को माइनस का तो नीचे वाल लैके जा रहे थे तो कि बन रहे माइनस तीन सौ पचास हूँ देखो माइनस माइनस कि बन गया प्लस तो दस में जो तीन सौ पचास जोड़ा तो बेटा कि तीन सौ साठ मीटर मतलब एलीवेटर द्वारा जी तय की कुल दूरी कि तीन सौ साठ मीटर हूँ अगे देखो उन्हें कहा कि एलीवेटर जिनी गति हेठा जाता है किन्नी गति हेठा जा रहा है छे मीटर प्रति मिनट की रफ्तार हेठा जा रहा है तो हूँ देखो तीन सौ साठ मीटर तीन सौ साठ मीटर हेठा जाने लिए इसमें कितना समा लगेगा तो तीन सौ साठ में असं किस न भाग करा छे नाल हूँ तुम देखो जे आप तीन सौ साठ में बेटा छे नाल वंडना हो किस तरह करा छे कम छे छिकम छिकी छत्ती ते नाल की पैगी एक जीरो तो अपने को किन्ना आ जाएगा बेटा साठ मिनट तो सानू की पता लग रहा है भी एलीवेटर भूमि तल तो माइनस तीन सौ पचास मीटर हेठा जाने लई किन्ना समा लगेगा साठ मिनट साठ मिनट किन्ने घंटे के बराबर होंगे ने एक घंटे के ते इट मीनस इसमें एलीवेटर थले जाने लई किन्ना समा लग रहा पूरा एक घंटा लग रहा है। उम्मीद है बेटे तुहानूं इह सवाल ने जिहड़े समझ आ गए होणगे प्लीज इस सवालों की वध तो वध प्रैक्टिस है जी करते रहियो जे तुहानूं अज इह चैप्टर समझ आया तो प्लीज़ इसनों लाइक करो वध तो वध शेयर करो इस चैनल में सबसक्राइब करो तो आने वाली वीडियोज़ में और देखने वास्ते तो उन्होंने नोटिफिकेशन जानने वास्ते बैल आइकन प्रेस करना ना भूलियो फिर मिलेंगे बेटे एक नवी वीडियो के नाल बहुत बहुत धन्यवाद।